हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ट्रेंडिंग रील्स वीडियो तो देख ही लिया होगा। इस प्रकार की रील्स वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है इंस्टाग्राम पे, तो आपने कहीं ना कहीं ये वाली वीडियो देखी होगी। ठीक है, तो इस तरीके की आपको रील्स मैं बनाना सिखाने वाला हूँ इमेज क्रिएट करके, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है। मैं यहाँ से नोटपैड ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको ये वाला टेक्स्ट इमेज मिलेगा। ठीक है, टेक्स्ट इमेज क्रिएट करने के लिए तो इस सेटिंग को यहाँ से आपको कॉपी कर देना है। ये मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे इसको यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। यहाँ से आपको कॉपी करना है, उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, मोबाइल में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है सिंपली से। तो यहाँ से मैं एक ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ कोई भी, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट मैं दे दूंगा लिंक, तो आपको यहाँ से टाइप भी कर सकते हो बीइंग इमेज क्रिएटर। इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप करना, फर्स्ट नंबर वेबसाइट मिल जाएगी, इसका लिंक डायरेक्ट भी दे दिया है मैंने। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से आ सकते हो। वैसे एक दिन के 15 ऑप्शन मिलते हैं इसके अंदर इमेज क्रिएट करने के लिए। आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद इसके अंदर अकाउंट बना रखा है मैंने, अगर आपसे नहीं बनता है तो यूट्यूब पर वीडियो देख लेना या फिर कमेंट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको वो टेक्स्ट है यहाँ से पेस्ट करना जो टेक्स्ट हमने वहाँ पे कॉपी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बॉय का बना रहे हो तो यहाँ पे बॉय ले रहने देना, बाकी गर्ल का बना रहे हो तो यहाँ पे बॉय की जगह गर्ल लिख देना है। ठीक है, उसके बाद नेम की जगह यहाँ पे विकास लिख रखा है, तो यहाँ पे बॉय या गर्ल जिसका भी बना रहे हो आप लोग, तो वो यहाँ से आपको टाइप करना नाम। ठीक है, तो मैं कोई भी एक नाम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर टाइप कर लिया हूँ। उसके बाद में फर्स्ट बार में आपको यहाँ पे ज्वाइन एंड क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। अगर ऑलरेडी इमेजेस बना रखी है तो आपको क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है सिंपली से। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद अब आपके सामने इस तरीके से इमेज जनरेट होके आ जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेना है। सो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे इस नाम की इसने क्रिएट करके दे दिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये इमेज है, आपको इस पर टैप करना है। डाउनलोड करने के लिए 3 डॉट पर जाना है और यहाँ से डाउनलोड कर देना। बाकी इमेज पर टैप कर के आप लोग डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, फिर आपको बैक आना है। ठीक है, अब आपको ये इमेज नहीं पसंद आ रही तो फिर से क्रिएट पर क्लिक कर देना और अलग से बना के दे देगा। तो यहाँ से डाउनलोड कर देना, फिर बैक आना। अब आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली जिसका नाम है अलर्ट मोशन। तो अलर्ट मोशन एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले अलर्ट मोशन एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना। ओपन होते ही ऐसा इंटरफेस खुलने वाला है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना, देन 9:16 का प्रोजेक्ट, बाकी सब सेटिंग देख सकते हो, और क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर देना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से प्लस के आइकन पे जाना, मीडिया पे जाना, और जो इमेज डाउनलोड करके लेके आओगे वो इमेज आपको सिंपली से यहाँ से सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज सेलेक्ट करने के बाद 3 डॉट पर जाना, फिल कंपोजिशन एरिया कर देना, प्लस आइकन पर जाके डुप्लीकेट लेयर और इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट कर देना। इस तरीके से इसके साइज़ कम कर लेना, बाद में डुप्लीकेट जो इमेज करोगे उसकी इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपने प्रीव्यू में देखा होगा। उसके बाद बैक इमेज को ब्लर करने के लिए इस पर क्लिक करना, इफेक्ट में चले जाना, एड इफेक्ट में चले जाना और आपको ब्लर के अंदर चले जाना। यहाँ से आपको एक इफेक्ट मिलेगा गॉसियन ब्लर, ये इफेक्ट लेना और अपने अकॉर्डिंग ब्लर कर देना फोटो। ठीक है, तो मैं इसको कुछ यहाँ पर 0.080/85 के अप्रोक्स कर लेता हूँ, या फिर इतना कर लेना आप लोग, तरीके से हो जाएगी। उसके बाद ऊपर वाली इमेज पे आप लोग क्या करना है, बॉर्डर एंड शेडो पे जाना, स्ट्रोक इनेबल कर सकते हो, कलर वाइट या ब्लैक जो भी रखना चाहता है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना, तरीके से इमेज क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद इसको सेव करना है, ऊपर एरो पे टैप करके करेक्ट फ्रेम एज PNG देन एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपको इसको सेव कर लेना होगा, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके ना, मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया, बैक आना है। अब आपको क्या करना है, कैपकट ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे पहले आपको किसी भी VPN से मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि कैपकट बिना VPN के काम नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं स्काई VPN यूज़ कर लेता हूँ, जो कि प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया मैंने, इसको यहाँ से सबसे पहले कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, कनेक्ट हो चुका है, बैक आना है। अब आपको मोबाइल फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट। ठीक है, इस तरीके से सर्च कर लेना, आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक कर देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट नंबर वेबसाइट पे इस तरीके से ओपन होगा आपके सामने। उसके बाद में आपको क्या करना है, यूज़ टेम्पलेट इन कैपकट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। तो ध्यान रखना VPN कनेक्ट होना चाहिए पहले, तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, आपको वेट करना है।
सो गाइस देख सकते हो टेम्पलेट ओपन हो चुका है। उसके बाद नीचे यूज टेम्पलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर देने बाद फोटोज के ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद लाइट मोशन ऐप के अंदर से जो फोटो अपन बना के लेके आए हैं वो फोटो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। देन प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको वेट करना है, ठीक है। इसको प्ले होने देना कंप्लीट। वेल गाइस सो कंप्लीट प्ले हो चुका है। उसके बाद इसको सेव करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पर टैप करना और यहाँ से 1080p में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो 2K या 4K और यहाँ से एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पर टैप करना है, ठीक है। तो इसमें वाटरमार्क भी नहीं आएगा और यहाँ से ये सेव हो जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो की एडिटिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। ट्रेंडिंग ऑडियो आप इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके लाइट मोशन ऐप में जाना, इस वीडियो का सॉन्ग म्यूट करके उसका लगा देना और एक्सपोर्ट कर देना, तो फाइनली वीडियो बन जाएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।